हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चुनाव के दिन एलो भैया, अब देखी मुखिया सरपंच घूरतो घरे घरे। खर कोई बात न तो ही ऐसा न वोट दिया दूसर के डरे। हवा में बात करके बनाता हवाई अड्डा और गाँव वाला रोडवा देखवी ने अभियो टेहना भर गड्ढा। तकरबाद भी कहतुन की हम ही यो पंचायतवा में खड़ा। इलेक्शन भर बात कर ले इस सबसे बड़ा बड़ा। तकरबाद भी कहतुन की समझवा हो सबसे बड़ा बेवर हड्डा। इलेक्शन में देख लमी भैया जीते के पहले गाँव में विकास हो कि न करके दिखा दबो। आए हो चचा तुर मटिये के घर आओ तुर पहले कलोनिया लिखा दबो। हम कहें जीत गलियों ने तो खत्म हो ये तो सबके टेंशन। तो हिन तो छोड़वेन के लिखा दबो वृद्धा पेंशन। हाथ जोड़ के कहता हमारा तो ही जिता दे लाल कार्ड के फॉर्म भरवा दबा। ई गलियन हथुन ने उस सबके पीसीसी करवा दबो। जीते के बाद 10,000 के नीचे ऊपर कुर्ता पजामा पहनते हो ना। एक ठो कागज सेन करावल जमीन है तो कहते ककर बेटा आखिर बेस कर चिन्हिए ना। तो इनके बता दिया दोसर के सिखावल पर सीखना ना हो। अबरी बार तो इनके दारू मुर्गा पर बिकना ना हो। इलेक्शन में ज्यादा भी टेंशन लेना ना हो। जे मुखिया कॉलोनी में घुस ले होते ने ओकरा दोबारा वोट देना ना हो। सीधी बात नो बकवास। गांव के आदमी देख रहा है यहाँ रोजगार के आज। तब तक राते रात जेसीबी से डोबा खड़ा के हो जाए बिल पास। ऊपर ऊपर का है ऊपर मोदी जी के कमल खिले है। ब्लॉक से लेकर ग्राम पंचायत तक एक्स वाई जेड सब एक दूसरे से मिले है। जीते के पहले मुखिया जी के बतिया सुनवी ने बिजली दबो पानी दबो नली दबो और दबो बिस्किटवा कुआं। तो एक नजर ओकरो देखला भैया जे बनल सुन सर करिए बतरूमा। यह बतिया कहबो था मुखेवेन सोनुआ पर जेथुन भीड़ बतरूमा ऐसा नहीं लेल कि आंधी चलते तो जेते गिर। यह बतिया कहबो था कमेंट में लिखतुन सोनू भाई वीडियो बना के तू सबके जना दलही 12,000 रुपये हेले हेल तो का करती है ताजमहल दती है बना। यही को मुखिवेन अपना नाम बता दो। सोनू कुमार पांडे। नाम बता दो अपना। सोनू कुमार पांडे धामी। पिताजी का नाम स्वर्गीय भिकू पांडे। स्कूल का नाम उत्कर्मित उच्च मध्य विद्यालय +2 उच्च विद्यालय सुखी। प्रखंड मयूरहंड। जिला चतरा। राज्य झारखंड। थैंक यू बहुत सुंदर टाइप कर देना ये वर्ड रखे हो उसमें भी होगा यार। उसमें लिखा है www.voteravarenesscontest.in उसमें ठीक है। और आपने जो करा मान लो वीडियो बना लिए या सॉन्ग बना लिए या स्लोगन लिख लिए ठीक है तो एक ईमेल आईडी है वहाँ पर वोटर हाइफन बोल लो एड्रेस बोल लो contest@eci.gov.in क्लियर। इस पर हम उसको मेल कर देंगे और जब मेल करेंगे तो सब्जेक्ट में मेंशन करेंगे कि आप इसके लिए वीडियो क्या वाला है आपका। 5 कॉन्टेस्ट है ना तो आपने स्लोगन लिखा तो लिखेंगे स्लोगन या पोस्टर डिजाइनिंग या सॉन्ग कर रहे या वीडियो में ठीक ना उसको मेंशन करना सब्जेक्ट और फिर अपना जो एंट्री है उसको सेंड कर देना। कर लोगे इतना? यस सर। सर ने बताया कि आप लिंक गूगल पे जा करके वोटर अवेयरनेस कॉन्टेस्ट .in इसको आप राइट ऑन कर लेंगे और हम लोग चिपका भी देंगे ठीक है। और जा करके अभी चूंकि ऑल इंडिया में सब लोग देख रहा है तो खुलेगा नहीं अभी रात में जा करके आप आराम से सर्च कीजिएगा तो हो जाएगा। और कम से कम एज अ स्टूडेंट आप लोग क्या है 60 क्वेश्चन बनाएंगे। ये 60 क्वेश्चन हिस्ट्री का नहीं रहेगा केवल पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन रहेगा ठीक है। क्वेश्चन ईजी होंगे कुछ थोड़ा सा मॉडरेट होगा कुछ थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा ठीक है। तो आप जो नहीं जानेंगे उस सर से भी आप पूछ लेंगे है ना। चलिए इसके बाद जो है आप इतना कुछ करेंगे तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आप चयन किया जाएगा। इसके लिए उसके अच्छा खासा प्राइज रखा गया है ठीक है। क्या रखा गया? प्राइज रखा गया है। उस प्राइज के बारे में बताइए सर। चलिए सर बता देते प्राइज के बारे में। प्राइज यार एकदम शॉर्ट में सुन लो। प्राइज 2,000 से 2,00,000 तक। विभिन्न कॉन्टेस्ट हैं आपके क्लियर तो 2,000 भी कम नहीं है और 2,00,000 तो कम से कम कम तो नहीं है तो क्लियर है ना। तो ये प्राइज आप क्या सकते हैं और क्या है कि 3 कैटेगरी में आप भाग ले सकते हो। एक है इंस्टीट्यूशनल यानी आपका इंस्टीट्यूशन भाग लेगा। आप कहाँ पढ़ रहे हैं तो आपका स्कूल भाग ले सकता। आप अगर स्कूल से भाग लोगे
वीडियो बनाओगे एक मिनट का तो 2 लाख रुपए मिलेंगे, क्लियर, प्रथम प्राइज के रूप में, क्लियर। इसी तरह सारे कॉन्टेस्ट में आपके प्राइज हैं, आप देख लेंगे, वो साइट पर भी मेंशन है, आप जहाँ जाओगे ना वहाँ पर सारे नियम कानून लिखे हुए हैं, सारे प्राइज लिखे हुए हैं, क्लियर। एक होता है प्रोफेशनल, प्रोफेशनल तो शायद यहाँ पर कोई नहीं है, ये समझते हो क्या होता है प्रोफेशनल? जैसे मेरा प्रोफेशन है गाने गाने का और हमको ज़्यादा इनकम वहीं से आ रहा, वो मेरा प्रोफेशन कहलाएगा। तो ऐसा कोई बंदा है जिसका गाना गाने से घर चलता हो? नहीं है, हम लोग उस कैटेगरी में नहीं आते। उसमें कुमार सानू आता, लता मंगेशकर आता, सब आएगा। अगर उन लोग बनाएगा तो उन लोग के लिए प्राइज अलग है, ठीक है। आप लोग भी अगर पर्सनली बनाना चाहते हो, मान लो सर लोगों ने सपोर्ट नहीं करा, या तो स्कूल से भी करे, स्कूल में सर लोग सपोर्ट करे और आपने एक वीडियो या एक गाना स्कूल के माध्यम से डाला, बहुत सुंदर। या कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम अपने खुद का करें, पर्सनली करें, उसका भी है, उसका कैटेगरी है अमैच्योर। इसको क्या कैटेगरी है? अमैच्योर। इसमें मतलब होता है शौकिया, यानी आप शौकिया तौर पर कॉन्टेस्ट में भाग ले रहे हो और इसमें भी अच्छा प्राइज है, 20,000, 30,000, 10,000, तो अच्छा प्राइज है। आप उसको करोगे तो आपको ये प्राइज मिलेंगे और उससे बड़ी बात कि आप पूरे भारत भर में जाने जाओगे, प्रसिद्ध हो जाओगे यार। और आपका स्लोगन, आपका वीडियो, आपका सॉन्ग किसी आई हर जगह डाल देगी, है ना, तो आप हर जगह सुने जाओगे। अगर स्लोगन है या पोस्टर डिजाइनिंग है आपका सिलेक्ट हुआ, तो जो पोस्टर लेके हम लोग घूम रहे हैं ना, कल का आपका वाले के घूमेंगे, और हम लोग ही नहीं घूमेंगे, पूरा भारत लेकर घूमेगा, क्लियर हो। ये फायदे हैं यार कॉन्टेस्ट में भाग लेने के, तो जरूर लेना, ठीक है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम सभी को पार्टिसिपेट करना है, ठीक है ना, हिस्सा लेना है और एक अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाना है।